आपका प्रेमी व्यवहार उन लोगों को जानने में हेल्प करेगा कि आप कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर जातियों में बटा हुआ परमेश्वर नहीं, और ना ही परमेश्वर का प्रेम जातियों में बटा हुआ है। नर्क से बचाने के लिए, स्वर्ग में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। आप सभी को जय मसीह की। आज हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के भवन में आए और परमेश्वर के द्वारा हम आशीषित हों। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन हमें पूरी तौर से आशीषित करता है, पूरी तौर से हमें ट्रांसफॉर्म करता है, पूरी तौर से हमें बदलता है। संसार की कोई भी आप पुस्तक पढ़ लो, वो आपको सिर्फ इन्फॉर्म करेगी। बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो आपको पूरी तौर से ट्रांसफॉर्म करेगी। तो आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ शिक्षाओं को सुनेंगे। आज एक मैसेज सुनने जा रहे हैं जिसके द्वारा हम आशीषित हों। वो मैसेज जो है, आज का जो टॉपिक है वो है लव, यानी प्रेम। आज हम प्रेम के ऊपर परमेश्वर के वचन की शिक्षा सुनने जा रहे हैं, जो हमें प्रेम परमेश्वर ने सिखाया कि हमें कैसा प्रेम करना है। आज जगत में जो प्रेम लोग करते हैं उनका प्रेम अलग ही प्रकार का है, लेकिन बाइबल का परमेश्वर हमें कैसे प्रेम करना सिखाता है, किस तरह का प्रेम करना सिखाता है, वो आज हम जानेंगे। उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 उसका पद 16। जिस किसी को मिले इस वचन को कोई मेरे लिए पढ़ दे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने इस वचन को पढ़ा जिसमें लिखा है इस प्रकार, यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया, परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया, और परमेश्वर ने हमें प्रेम इस प्रकार करना सिखाया, जब बाइबल बताती है, जब हम निर्बल थे, जब हम पापी थे, ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु ने ऐसे समय पर बलिदान दिया, ऐसे समय पर प्रभु ने कुर्बानी दी, जिस समय समस्त मानव जाति पाप में थे, घिरे हुए थे पाप में, पाप का जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो परमेश्वर ने हमें उस प्रेम से हमें भरा अपने पुत्र के द्वारा। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र जगत में दे दिया, जगत में दे दिया मीन्स जगत में भेज दिया, कि जगत में जाके समस्त मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान दे। हालेलुया। क्रूस पर बलिदान दे, ताकि उस बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के पापों की क्षमा हो। और लिखा वचन में, और जो कोई उस पर विश्वास करे, उस पर मीन्स प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो नष्ट ना हो वरन क्या पाए, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा उस क्रूस पे कुर्बान होने के लिए, ताकि आप और मैं नष्ट ना हो, मीन्स आप और मैं हेल में ना जाए, यानी नर्क में ना जाए। नर्क से बचाने के लिए, स्वर्ग में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेज दिया, ताकि जाकर प्रभु यीशु मसीह सभी के लिए कुर्बानी दे और कोई भी नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाए, यानी इटरनल लाइफ। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं इटरनल लाइफ को पाएं, अनंत जीवन प्रभु आपको मुझको देना चाहते हैं। अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया। अगर आज कोई माता पिता कोई होंगे, अगर उनका कोई पुत्र होगा, इकलौता पुत्र होगा, तो कोई भी ऐसी इच्छा अपनी या ऐसी कोशिश नहीं कर सकता कि अपने इकलौते पुत्र को वो भेज दे कि जाओ तुम किसी के लिए बलिदान दे के आओ। किसी में हिम्मत नहीं है। अगर यीशु मसीह की जगह पे स्वर्ग में मैं होता, तो मैं बिल्कुल भी हाँ नहीं करता, मैं तो मना कर देता, मैं तो कहता, हे पिता तुम मुझे किस काम के लिए भेज रहा हो, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो ताकत नहीं कि मैं जाके बलिदान हूं, मैं जाके कुर्बानी दूं। और कोई भी व्यक्ति होता, उसकी हिम्मत नहीं होती इस बात को कहने के लिए या करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा को माना।
और वह धरती पर आए और उन्होंने बलिदान दिया। ये परमेश्वर का प्रेम का वो आरंभ था, ये शुरुआत थी। परमेश्वर ने जो भी कार्य करना आपको मुझको करने के लिए जो प्रभु ने कहा है, उससे पहले प्रभु ने खुद उस काम को किया है। हालेलुया। एक सच्चा एक लीडर जो होता है, एक अच्छा एक लीडर जो होता है, एक अच्छा चरवाहा होता है, वो खुद आगे आगे चलता है। वो पहले उन कामों को करके दिखाता है, वो करता है, उसके बाद वो करना सिखाता है। परमेश्वर जिस प्रेम की हम बात कर रहे हैं और जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने उसको पहले करके दिखाया। परमेश्वर ने उस प्रेम को करके दिखाया समस्त मानव जाति के लिए, आपके और मेरे लिए, सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं। यीशु मसीह जो है ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो समस्त जगत का परमेश्वर है। परमेश्वर जो है देसी और विदेशी नहीं होता। परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है और सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर जो है उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसने पूरे जगत से प्रेम किया। ऐसा नहीं लिखा कि पर्टिकुलर किसी कंट्री से प्रेम किया, पर्टिकुलर किसी समुदाय से प्रेम किया, किसी कम्युनिटी से प्रेम किया। लिखा है कि परमेश्वर ने सारे जगत से, पूरी दुनिया से, दुनिया में सभी लोगों से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उनका जीवन नष्ट ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, पर उनको क्या मिले? अनंत जीवन मिले। परमेश्वर ने अनंत जीवन देने के लिए एक जगह बनाई है, वो है स्वर्ग। परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया है ताकि आप और मैं उसके साथ वहां पर एक इटर्नल लाइफ को जी सके, एक अनंत जीवन को जी सके। तो परमेश्वर ने अपना प्रेम करके दिखाया, अपना प्रेम किया। ये जो वर्स है बाइबल का गोल्डन वर्स इसको कहा जाता है। ये बाइबल का गोल्डन वर्स है जो हमें संपूर्ण बाइबल को इस वर्स में हम सीमित कर सकते हैं कि परमेश्वर के उस प्रेम को हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर आके बलिदान दिया आपके मेरे लिए और समस्त मानव जाति के लिए, ताकि आप और मैं उसके प्रेम को समझ सके। और जब प्रभु क्रूस पर बलिदान दे रहे थे, उस समय कुर्बानी दे रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह की जो पहली वाणी थी वो हमें उसके प्रेम को बहुत अद्भुत रीति से दर्शाती है। अगर आपको कोई घात करेगा, आपको कोई मारेगा या आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा, आप उसके लिए अच्छी बात नहीं कह सकते। आज जगत में अगर कोई किसी को सताता है, परेशान करता है, तो वो व्यक्ति क्या कहता है उसको? उसके बारे में उल्टा सीधा कहेगा, उसको श्राप देगा, उसके बारे में और अलग अलग प्रकार की बातों को कहेगा, गंदे से गंदा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सबसे पहली वाणी क्या बोली? अपने प्रेम को दर्शाया, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु ने स्पष्ट कहा कि प्रभु को जानते थे ये जो काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं अज्ञानता में, ये काम कर रहे हैं अज्ञानता में। इनको नहीं पता कि तेजोमय प्रभु को वो क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, उनको नहीं पता था। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर। अगर कोई आज आपको सताता है, आपको परेशान करता है, आपको दुखी करता है, तो आपको उससे बदला नहीं लेना। अगर आप बदला लेते हो तो ये प्रेम की परिभाषा नहीं है। जो मसीह ने हमें सिखाया वो प्रेम हमें समझना है कि प्रभु को जब सताया गया, प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्षमा मांगी। आज आपको और मुझको भी जो सताते हैं, जो परेशान करते हैं, उनके लिए आपको क्षमा मांगनी है। हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। जिस दिन आप इस तरीके की भावना अपनी रखोगे, जिस दिन आप इस तरीके से वचन को फॉलो करोगे, उस दिन आप आशीषित हो जाओगे। आपको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने अपना प्रेम करके दिखाया, उसके बाद एक जगह और हम समझते हैं परमेश्वर के वचन को। प्रभु ने तो प्रेम करके दिखाया, अब प्रभु की इच्छा आपसे और मुझसे क्या है, ये भी जानना जरूरी है। उसके लिए इसी यूहन्ना का 15 उसका पद 9 पढ़ेंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 9 पढ़े, क्या लिखा है? जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अब अगली शिक्षा जो आपको और मुझको बताई, वो ये है कि आपको मुझको समझना है
कि आप और मैं उस प्रेम को समझ पाए। प्रेम है क्या? गॉड इज अ लव, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है। ध्यान रखना, आज जगत में लोग प्यार करते हैं किसी से, वो कहते हैं यही मेरा भगवान है, यही मेरा परमेश्वर है, जिससे वो प्यार करते हैं, किसी व्यक्ति से, किसी इंसान से, किसी वस्तु से, धन से। आज लोगों ने इन चीजों को अपना परमेश्वर बना रखा है, लेकिन ये वस्तु है परमेश्वर नहीं है, ये वस्तु है आपका प्रेम नहीं है। परमेश्वर जो है वो प्रेम है। और यहां पर हमने पढ़ा क्या लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर शिक्षा दी कि जैसा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखा, वैसा ही प्रभु चाहते हैं कि हम भी प्रेम रखें और हम क्या करें, उस प्रेम में बने रहें। यानी प्रभु की जो टीचिंग्स हैं, जो प्रभु की बातें हैं, उसमें हम बने रहें, उसको फॉलो करते रहें। प्रेम करना आपको सीखना पड़ेगा, आपको प्रेम का अर्थ समझना पड़ेगा। प्रेम का अर्थ होता है शेयरिंग, बांटना। प्रेम का अर्थ होता है सक्रिफाइस। प्रेम का अर्थ होता है क्षमा करना। प्रेम का अर्थ होता है दया करना। प्रेम का अर्थ होता है सहायता करना। प्रेम का अर्थ होता है लोगों को गले लगाना। प्रेम का अर्थ होता है लोगों को परमेश्वर के पास लाना। इसमें प्रेम नहीं है कि आपको जिसके साथ आपकी अच्छी बातचीत है या आपके रिलेशन अच्छे हैं आप सिर्फ उससे प्रेम रखो, और जिसके साथ अच्छी बातचीत नहीं है, अच्छे रिलेशन नहीं है, आपको उससे मतलब नहीं है। नहीं, प्रभु ने कहा जो बाइबल की जो दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा है उसमें लिखा है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। हमें अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। आपका मेरा पड़ोसी कौन है? शर्मा जी, वर्मा जी, मिश्रा जी, जो भी आपके पड़ोस में हैं, चाहे शर्मा जी हैं, चाहे वर्मा जी हैं, चाहे मिश्रा जी हैं, वो आपके पड़ोसी हैं, उनसे प्रेम रखो, उनसे प्रेम करो। आपका प्रेमी स्वभाव, आपका प्रेमी व्यवहार उन लोगों को जानने में हेल्प करेगा कि आप कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, कैसे परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करते हैं। हम सिर्फ मसीहों के, अगर मसीहों से ही प्रेम रखेंगे और लोगों से, अदर धर्मों के लोगों से, अदर रिलीजन्स के लोगों से हम प्रेम नहीं करेंगे, हम प्रेम नहीं रखेंगे, तो कैसे वो हमारे उस परमेश्वर को जानेंगे जिस परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है। ऐसा तो नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में रहे, उन्हीं लोगों से प्रभु ने प्यार किया जो पवित्र शास्त्र को मानते थे, पवित्र शास्त्र की आज्ञाओं को मान के फॉलो करते थे, जब पवित्र शास्त्र पर प्रचार करते थे, या सिर्फ मंदिर में जाते थे। यदि हम प्रभु के जीवन को देखें, प्रभु के सेवकाई के समय को देखें, तो प्रभु यीशु मसीह पापियों में भी बैठते थे। प्रभु पापियों में बैठे, प्रभु यीशु ने पापियों में प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह ने चुंगी लेने वालों के साथ प्रभु बैठे, व्यभिचारियों के साथ प्रभु बैठे, मछुआरों के साथ प्रभु बैठे। प्रभु ने सबसे प्रेम किया उस समय पर जो सामरी स्त्री थी, जिनका इजरायलियों के साथ कोई तालमेल नहीं हुआ करता था। अगर जो सामरी उस समय छोटी जाति और नीची जाति समझी जाती थी, जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए तो उसने पानी पिलाने के लिए उन्होंने बोला कि हम तो बड़े छोटी जाति के उस तरीके से हैं, हम आपको कैसे पानी पिलाएं। यानी प्रभु ने वहां पर भी फर्क नहीं किया, लेकिन प्रभु ने वहां पर एक अलग शिक्षा दी। प्रभु ने बताया यदि तू जानती कि मैं कौन हूं, कि तेरे सामने कौन है, तो मुझसे जीवन का जल मांगती। प्रभु यीशु ने प्रेम करने के लिए कभी भी जाति को नहीं देखा। प्रभु यीशु ने हर संप्रदाय के, हर जाति के, हर वर्ग के लोगों से प्रभु ने प्रेम किया। आज जगत में देखो, छोटी जाति का व्यक्ति है उसके साथ कोई बैठेगा नहीं, बात नहीं करेगा, उसको चाहिए मेरी बराबर की जाति का व्यक्ति हो। छोटी जाति का व्यक्ति है उसके साथ हम रिश्ता नहीं करेंगे, हमारा संबंध नहीं बन सकता, फर्क और भेदभाव। परमेश्वर जातियों में बटा हुआ परमेश्वर नहीं, और ना ही परमेश्वर का प्रेम जातियों में बटा हुआ है।
परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है और प्रभु चाहता है आप और मैं भी प्रेम करें। प्रभु ने यहाँ पर क्या सिखाया कि तुम भी उस प्रेम में बने रहो, यानी उस किस प्रेम में जो परमेश्वर ने करके दिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने जो करके दिखाया वही प्रेम आपको और मुझको करना है। उसके बाद आगे क्या लिखा है 10 में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ प्रभु ने बताया कि तुम मेरे उस प्रेम में कैसे बने रहोगे। प्रभु ने कहा मेरी आज्ञाओं को मानकर, जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे तो ही हम उसके प्रेम में बने रहेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर, हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता हूँ। जब तक आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे आप उससे प्यार नहीं करते। आज अधिकतर लोग प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आपको आज्ञाएं माननी पड़ेगी, आपको आज्ञाओं को फॉलो करना पड़ेगा और परमेश्वर की आज्ञाएं जो हैं वो कठिन नहीं है। जब तक आप उन आज्ञाओं को नहीं मानोगे आपके लिए हर चीज कठिन है, लेकिन जब आप मानना शुरू कर दोगे तो आपके लिए वो तमाम जो आज्ञाएं हैं वो धीरे धीरे आसान होती चली जाएंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा उस पवित्र जीवन को जीने के लिए। तो प्रभु ने कहा जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानेगा या मानता है वो मेरे प्रेम में बना रहता है। प्रभु ने स्पष्ट बोला जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो क्या करता है, उसे काटता है। यानी जो प्रभु यीशु मसीह में है, क्रिश्चियनिटी में है और नहीं फल रहे हैं, यानी अपना जीवन नहीं बेहतर बना रहे, अपना जीवन नहीं सुधार रहे, अपना जीवन आशीषित नहीं बना रहे, मसीह की आज्ञाओं पर, इस पवित्र शास्त्र की आज्ञाओं के अनुसार जीवन को नहीं जी रहे, प्रभु कह रहा है वो डाली जो है काटी जाएगी, प्रभु उसको अपने से अलग कर देंगे। और प्रभु ने कहा जो डाली मुझ में है और फलती है प्रभु उसको क्या करेंगे, छाटेंगे और छाटेंगे, उनको छाट के अलग करेंगे ताकि वो क्या करे, और फले और फ्रूटफुल हो जाए। जो मसीह में है अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं, जो उस प्रेम की परिभाषा को समझते हैं प्रभु उनको इस्तेमाल करेंगे, उनको प्रभु ब्लेस्ड करेंगे, उनको हर क्षेत्र में विजय बनाएंगे। तो आज आपको और मुझको प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। उसके बाद क्या लिखा है 11 में पढ़े, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन में लिखा है प्रभु ने कहा मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु ने ये बातें आपसे मुझसे इसलिए कही ताकि आपके और मेरे अंदर प्रभु का क्या बना रहे, परमेश्वर का आनंद बना रहे, परमेश्वर का वो आनंद आपके मेरे अंदर बना रहे और क्या हो, वो आनंद पूरा हो जाए। यानी प्रभु चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर की हम आज्ञाओं को मानते हैं आपका मन, आपकी आत्मा अपने आप ही आनंदित होगी। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी को व्यतीत करो, आप अंदर से अपने आप ही आनंदित रहोगे, आप ब्लस्ड महसूस करोगे, आप अच्छा महसूस करोगे, आप आशीषित महसूस करोगे, अपने आप ही आप आशीषित हो जाओगे। और उसके बाद यूहन्ना उसके 16 के 20 में क्या लिखा है, योर सारो विल बी टर्न इनटू जॉय, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करोगे, उसके वचन के अनुसार जिंदगी को जियोगे, आपका जो है आनंद, जो दुख है वो आनंद में बदल जाएगा, आप आशीषित हो जाओगे। अब जिन संसार की छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी होते हो आपका दुखी होना समाप्त हो जाएगा और आप आनंदित रहोगे, आप ब्लेस्ड रहोगे। संसार के प्रत्येक व्यक्ति को देखिए, वो आज परेशान है, वो चिंता में है, सुबह से लेकर शाम तक वो सिर्फ एक ही चीज की खोज में लगा रहता है, रोटी कपड़ा और मकान। उसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए पहनने के लिए और मकान चाहिए, और वो इस चीज के लिए रात दिन परिश्रम करता है, वो रात दिन लगा रहता है। आज प्रभु आपको और मुझको बता रहे हैं कि आपको मुझको परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रेम करना है। अगर परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखाता है कि झूठ ना बोलना, अगर आप और मैं झूठ नहीं बोलते हैं तो विश्वास मानिए आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आई लव यू जीसस कहने से वो प्रेम प्रेजेंट नहीं होता,
उसकी आज्ञाओं को फॉलो करने से वो प्रेम प्रेजेंट होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की तमाम आज्ञाओं को माना, जो पिता ने आज्ञाएं दी उनको उन्होंने फॉलो किया, तब उन्होंने उस प्रेम को बताया कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसको फॉलो किया। ये होता है प्रेम, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते हो, उसके अनुसार जिंदगी को व्यतीत करते हो, तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। यदि आप हत्या करते हो तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, आप चोरी करते हो तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। यदि आप परमेश्वर से कहते हो कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाएं माननी होंगी और प्रभु की आज्ञाएं आपको बेहतर बनाएंगी, आपको जिम्मेदार बनाएंगी, आपको आशीषित बनाएंगी। यही पवित्र शास्त्र है जो आपको सिखाता है एक पत्नी को कैसे रहना चाहिए, एक पति को कैसे रहना चाहिए, बच्चों को कैसे रहना चाहिए, माता पिता को कैसे रहना चाहिए, एक पास्टर को कैसे रहना चाहिए, कलीसिया के लोगों को कैसे रहना चाहिए, आज मनुष्य को कैसा रहना चाहिए। यह पवित्र शास्त्र ही है जो आपको सिखाता है, आपको ब्लेस्ड करता है। ध्यान रखना, ये पुस्तक जो है परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा एक आपके लिए कारण है। जब इस पवित्र शास्त्र को आप पढ़ते हो, आप ऑटोमेटिकली आशीषित होते चले जाते हो, आप ब्लेस्ड होते चले जाते हो और आप और परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते चले जाते हो। एक वचन और खोले, यूहन्ना उसका 16:1, उसमें पढ़े क्या लिखा है। ये बातें मैं तुमसे इसीलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। हालेलुया, हालेलुया। आज जो परमेश्वर ने अपने प्रेम के बारे में बताया, वो बातें इसीलिए कही ताकि आप और मैं ठोकर ना खाएं। आज संसार में लोग एक दूसरे से जेलसी फील कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करना चाहते हैं। आज रास्ते पे जाओ, अगर किसी का आपस में बाइक से कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो मारने के लिए उतर जाते हैं, लड़ाई करने के लिए उतर जाते हैं, कोई किसी को क्षमा नहीं करता। आज देखो, आज आप गुस्से में किसी से बोल दो, वो लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। गुस्से में आपके मुंह से कोई बात निकल गई, लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। आज आपस में घर घर में देखो, सास बहू में लड़ाई हो रही है, सास बहू को देखना नहीं चाहती, बहू सास को देखना नहीं चाहती, बच्चे माता पिता को देखना नहीं चाहते, माता पिता बच्चों को देखना नहीं चाहते। आज प्रेम खत्म हो गया और जैसे जैसे अंत का समय नजदीक आएगा, वैसे वैसे लोगों के अंदर से प्रेम खत्म हो जाएगा। बाइबल बताती है लोग हो जाएंगे लोभी, डींग मार, अपनी इच्छा पर चलने वाले, वो किसी की परवाह नहीं करेंगे, अभिमानी, ऐसे लोग हो जाएंगे। लेकिन जो बाइबल की शिक्षाओं को फॉलो करेंगे, उस परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसके अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करेंगे, वो इन संसार की तमाम चीजों से बचे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की कुर्बानी सबसे बड़ा प्रेम था आपके मेरे लिए, यीशु मसीह ही आपका मेरा वैलेंटाइन है। हालेलुया, हालेलुया। आज जगत में देखो, लोग एक दूसरे को वैलेंटाइन ढूंढ रहे हैं। लड़का कहता है ये लड़की मेरे लिए वैलेंटाइन है, लड़की कहती है लड़का मेरे लिए वैलेंटाइन है, और सब एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं और इस तरीके की जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं और पाप की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, और उनको लगता है हमें कोई नहीं देख रहा, हमारे बारे में कोई नहीं जानता। बाइबल का परमेश्वर कह रहा है कि मेरी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है कि कहां पर तूने क्या काम किया है, वो परमेश्वर जानता है और उसकी पलकें जांचती है कि मन में तेरे कौन से विचार उत्पन्न हुए हैं, तू क्या करके आया है वो भी मैं जानता हूँ, तू क्या करने जाएगा वो भी मैं जानता हूँ। वो बाइबल का परमेश्वर सब कुछ जानता है, उससे आप और मैं कुछ नहीं छुपा सकते, वो सब कुछ जानता है, आपके मेरे मन की हर एक कल्पना को जानता है। इसीलिए वो सिखा रहा है कि ये बातें जो मैंने कही तुमसे, इसीलिए ताकि तुम ठोकर ना खाओ। आज आपको मुझको समझना है, आज कोई यीशु मसीह के बारे में गलत बोलता है, गलत व्यवहार उसके प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत आपसे कहता है, वो आपको गलत कहता है, आपको बाइबल के टीचिंग्स को गलत कहता है, कुछ भी गलत कहता है, आपको उससे लड़ाई नहीं करनी, आपने उनके लिए प्रार्थना करनी है, आपने उनको गॉड ब्लेस यू कहना है कि प्रभु आपको आशीष दे, आपको उनसे प्यार करना है, आपको नफरत नहीं करनी है। आपका बाइबल का परमेश्वर आपको नफरत करना नहीं सिखाता, वो लोगों से प्यार करना सिखाता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, प्रभु सभी से प्रेम करना सिखाता है और आपको मुझको सभी से प्रेम करना है, कोई फर्क नहीं करना, आपको मुझको कोई भेदभाव नहीं करना, आज आपको सबसे प्रेम करना है। कैसा प्रेम? जैसा आपने आप अपनी देह से करते हो, आप अपने शरीर से करते हो,
आपके शरीर के लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रेम है। इस शरीर का हम कितना ध्यान रखते हैं, टाइम से इसको खाना देते हैं, टाइम से इसको नहलाते हैं, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहनाते हैं। ये शरीर कहता है महंगे महंगे कपड़े मुझे पहनने हैं, तो आप और मैं महंगे महंगे कपड़े लाके शरीर को पहनाते हैं, अच्छी अच्छी महंगी महंगी क्रीमें लाके लगानी है, फेस को और चमकाना है वो भी लाके हम करते हैं, हमें लालन पालन करना है शरीर का, हमें पार्लर जाना है, हमें मसाज करवानी है, हमें ये करवाना है। इस शरीर का हम कितना ध्यान रखते हैं, और जैसे बीमारी है वैसे डॉक्टर के पास भी जाते हैं ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। ये पेट हमें कहता है भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन इसमें डालो, मुझे सही है, और हम भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन ला के डालते हैं। इस शरीर का हम बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे हम इस शरीर से प्यार करते हैं, इस शरीर की हम इज्जत करते हैं, इस शरीर की हम परवाह करते हैं, वैसे आपको और मुझको अपने भाई, अपने बहन, अपने माता पिता और समाज के सभी लोगों से प्रेम करना है। आज सड़कों पे लोग एक्सीडेंट हो जाता है, या लोग बीमार पड़े रहते हैं, या कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो लोग फोन का कैमरा खोल के वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई मदद करने के लिए खड़ा नहीं होता। आज लोगों के अंदर से प्रेम खत्म हो गया है, कोई दूसरे की मदद करना नहीं चाहता। लेकिन आपको और मुझको ऐसा नहीं बनना, यदि कोई मुसीबत में है, परेशानी में है, आपको और मुझको उसकी मदद करनी है, उसकी सहायता करनी है, ना कि मुख फेर के चला जाना है। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है। बाइबल में एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के भवन में जाके सेवा किया करता था। वो उस रास्ते से एक दिन जा रहा था, रास्ते में क्या हुआ, डाकुओं ने एक व्यक्ति को पकड़ के मारा, उसको बहुत बुरी तरह घायल कर दिया और छोड़ के चले गए। वहां से लेवी भी गया जो सेवा करने वाला था, और कई लोग ऐसे व्यक्ति वहां से गुजर गए जो परमेश्वर के भवन में जाते थे, और किसी ने उसकी सहायता नहीं करी। लेकिन एक सामरी आया, उसने उसको उठाया, उसको लेकर गया और उसको एडमिट करवाया, उसने हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करवाया, उसने उस सराय में ले जाके एडमिट करवाया और पूरे उसके इलाज की जिम्मेदारी ली। और वहां के वैद्य से क्या बोला, तो इसका पूरा ध्यान रखना, इसका इलाज करना, अगर कोई कमी घटी होगी तो मैं दोबारा जब वापस आऊंगा मैं तुझे दूंगा, इसका तू ध्यान रखना। प्रेम किसने किया, उस लेवी ने जो परमेश्वर के भवन में जाकर सेवा कर रहा था, या अन्य वो लोग जो पवित्र शास्त्र को जानते थे और लेकिन मुंह फेर के निकल गए, या उस सामरी ने? सामरी ने, उस सामरी ने परमेश्वर से प्रेम किया, उस व्यक्ति से प्रेम किया। ये मसीहत आपको मुझको सिखाती है, सहायता करना, मदद करना, ये प्रेम है। संसार का प्रेम आज देख लो मतलब का प्रेम है। अगर बच्चों को माँ बाप से कुछ चाहिए तो बड़े प्रेम से लिपटेंगे, प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए तो भी प्रेम से, कोई सामान चाहिए तो भी प्रेम से, वो मतलब का प्यार है। और जहां चीज मिल जाएगी प्रेम खत्म। लेकिन बाइबल का परमेश्वर आपको मुझको स्वार्थी प्रेम करना नहीं सिखाता, निस्वार्थ आपको और मुझको प्रेम करना है। आज हर व्यक्ति की इज्जत करनी है, हर व्यक्ति का सम्मान करना है, सभी से प्रेम करना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो। आपको ध्यान रखना है, परमेश्वर ने आपको मुझको प्रेम करना सिखाया है, तो वही आपको मुझको प्रेम करना है। यीशु मसीह ही आपका मेरा वैलेंटाइन है, संसार का कोई व्यक्ति नहीं, क्योंकि संसार का वैलेंटाइन आपको पाप में गिरा देगा, आपको अशुद्ध बना देगा और आप अशुद्धता वाला जीवन जियोगे। परमेश्वर ने आपको मुझको शुद्ध बनाया है। बाइबल में लिखा है जवानों के लिए स्पष्ट रूप से, जवान पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, यदि कोई संयम ना रख सके तो वो विवाह कर ले। पौलुस ने बोला यदि कोई संयम ना रख सके तो विवाह कर ले, उसके लिए बेहतर है कि वो पाप में पड़ेगा, उससे बेहतर है वो विवाह कर ले, उस पाप से बच जाए। लेकिन आज जवान पाप में गिरे हुए, पाप का जीवन जी रहे, आज उनको शरीर की अभिलाषा चाहिए, आंखों की अभिलाषा चाहिए, जीविका का घमंड उनके अंदर है, आज संसार में पाप में सब गिर चुके हैं, सबको सिर्फ शरीर से प्यार है। लेकिन बेहतर है उन जवानों के लिए जो अपने आप को पाप में गिरा रहे हैं, क्योंकि यदि वो जब ऐसा काम करते हैं वो पापी बन जाते हैं और उनके जीवन में पाप का बोझ आ जाता है और वो पाप से गिर जाते हैं। उससे बेहतर है कि आप शादी कर ले, विवाह कर ले। यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया ताकि आप और मैं पाप से आजाद हो पाए, पाप के जीवन से मुक्त हो पाए। ध्यान रखें,
आपको मुझको अपने आप को बेहतर बनाना है और पवित्र जीवन को जीने के लिए तैयार करना है। वचन में लिखा है कि आत्मिक जन सब कुछ जांच लेता है, लेकिन वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, नहीं जाता। वो सब कुछ जांच लेता है, लेकिन वो खुद किसी से जांचा नहीं जाता। आपके मन के विचार भी परमेश्वर आत्मिक लोगों को बता देते हैं, प्रकट कर देते हैं। आपको मुझको बेहतर बनना है, ना कि पाप की जिंदगी जीनी है, क्योंकि समय आता है वो पाप आपको ढेर सारी समस्याओं में ले जाके घेर देगा। ध्यान रखना, वचन में लिखा है जो है अभिलाषा, किसी वस्तु की अगर मनुष्य को अभिलाषा होती है, अभिलाषा के कारण क्या करता है, वो पाप से खिंच जाता है, पाप में अभिलाषाओं में खिंच जाता है, पाप में पड़ जाता है, और वो पाप क्या होती है, गर्भवती होती है, उसके बाद क्या होता है, मौत को जन्म देती है, जन्म देती है। ध्यान रखना, संसार का पाप आपको अंत में उस मौत तक ले जाएगा जो आपकी आत्मा की मृत्यु है, आपकी आत्मा को नष्ट कर देगा। आपको मुझको अपनी आत्माओं को नष्ट होने से बचाना है और लोगों तक परमेश्वर का प्रेम और वो संदेश पहुंचाना है। ये मसीहत है। आप लोगों की सहायता करो, मदद करो, आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करो, आप लोगों के साथ उसकी मुसीबतों में खड़े हो, ये प्रेम है। आज धर्म दूसरे धर्म को बांट देता है। आज लोग एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज एक दूसरे के विपरीत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आज एक दूसरे को नीचा गिरा रहे हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर आपको मुझको लोगों से प्रेम करना सिखाता है, लोगों को गले लगाना सिखाता है, लोगों के ऊपर दया करना सिखाता है। तो आपको और मुझको ऐसा ही जीवन जीना है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया इस जगत में ताकि कोई नष्ट ना हो, वरन क्या पाए, अनंत जीवन, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। यदि आपको अनंत जीवन पाना है तो आपको इस वचन को पढ़ना होगा, इस वचन पर विश्वास करना होगा, इस वचन के अनुसार जिंदगी को व्यतीत करनी होगी, तभी आप आशीषित होगे, तभी आप उस प्रेम को समझ पाओगे। आपको प्रेम करना है अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, समाज के लोगों से, हर वर्ग के लोगों से, हर जाति के लोगों से, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं समझना, सबको बराबर आपको समझना है, सबको इज्जत देनी है, आदर देना है, ये ध्यान रखना, यही परमेश्वर का प्रेम आपको सिखाता है। तो आज के वचन की शिक्षा के द्वारा जो हमने जिस प्रेम के बारे में जाना, वो प्रेम ये है, ये प्रेम की बात प्रभु ने करी, और यही सच्चा प्यार है जो प्रभु ने हमसे किया और प्रभु चाहता है हम जगत से करें। ध्यान रखना, यदि हम ऐसा प्रेम जगत से करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरा करेंगे और हम लोगों के सामने यीशु मसीह के द्वारा वो शिक्षा भी पहुंचा पाएंगे जिसको लोग आज नहीं जानते। तो प्रभु का धन्यवाद आज की तमाम शिक्षाओं के लिए, आज के इस प्रचार के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह।